दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से यही कामना है। सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही जरूरी विषय पे। हमारा आज का विषय है भैरव जी की अष्टमी, यानी भैरव काल अष्टमी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भैरव जी का जन्मदिन किस समय किस दिन मनाया जाएगा, और वर्ष 2021 में जून माह के बाद अष्टमी किस किस दिन पड़ेगी, कालाष्टमी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं कालाष्टमी की बात कर रहा हूं, और ये भी बताऊंगा कि भैरव जी को आप जो है किस प्रकार से प्रसन्न करें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इस विषय पर भी छोटी सी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा। बात करते हैं जून माह से। जून माह में जो कालाष्टमी है वो हमारी है 2 तारीख की। उसके बाद जुलाई माह में अगर आप कालाष्टमी की बात करो तो जुलाई में 1 तारीख और 31 तारीख को कालाष्टमी है। फिर उसके बाद अगस्त माह में हमारी कालाष्टमी पड़ती है 30 तारीख की। सितंबर माह में कालाष्टमी हमारी है 29 तारीख की। इसके बाद अक्टूबर माह में हमारी कालाष्टमी है 28 तारीख की, और नवंबर माह में हमारी कालाष्टमी है 27 तारीख की। 27 तारीख को जो नवंबर माह की कालाष्टमी है वही भैरवाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इसमें भगवान भैरव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन अगर आप, यानी नवंबर की 27 तारीख को अगर आप जो है भगवान भैरवनाथ को प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान भैरवनाथ के जो सिद्ध मंदिर हैं उन पर किसी पर जाकर आप प्रसाद चढ़ाते हो, प्रसाद में नारियल चढ़ा सकते हो आप, प्रसाद में उनको जो है वैसे दारू का भोग भी लगता है कई जगह, और प्रसाद में आप कई जगह दूध भी चढ़ा सकते हो। जिस मंदिर में जैसी प्रथा हो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कोई भी चीज चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो। भगवान को फूल, प्रसाद और भेंट आदि प्रदान कीजिए, जिसमें आपको सुगंधित वस्तुएं जैसे धूप, अगरबत्ती वगैरह जलाकर प्रभु की वंदना कर सकते हो। कालाष्टमी वाले दिन भगवान भैरवनाथ का ध्यान करें, उनके मंत्र का जप करें। इसके बाद दिसंबर माह में जो कालाष्टमी है वो भी 27 दिसंबर को ही पड़ती है। अब बात करते हैं भैरव जी के बारे में। जो मैंने आपको 27 तारीख को बताया, नवंबर की 27 तारीख को भैरव जी का जन्मदिन, उस जन्मदिन पर अगर आप कहीं पर भी नहीं जाते और घर पर ही भगवान भैरवनाथ को आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी भोग लगाकर उनकी वंदना करते हो, उनका ध्यान करते हो, तो भगवान भैरवनाथ की आप पर कृपा बनती है और किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े संकट जो है भगवान भैरव के द्वारा आपके टल जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी कालाष्टमी पर भैरव जी की पूजा करें तो उसका फल आपको मिलता है, लेकिन अगर आप नवंबर में आने वाली 27 तारीख की जो कालाष्टमी है उस पर पूजा करोगे तो उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। भगवान भैरवनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। जय राम जी की। जय श्री राम।